हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, उत्तराखंड की साहित्यकार वाली हमारी सीरीज चल रही थी, उसका ये आज पार्ट 14 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन के समतुल्य कहे जाने वाले साहित्यकार डॉक्टर शिवप्रसाद डबराल। देखिए, डॉक्टर शिवप्रसाद डबराल का संबंध है, इनकी महत्वपूर्ण रचना है हिमालय का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास 12 चरणों में इन्होंने कंप्लीट किया उसको। और राहुल सांकृत्यायन की तरह ही इनमें घुमक्कड़ जिज्ञासा थी, घूम घूम कर रचनाएँ करते थे ऑब्जर्वेशन से, इसलिए इनका नाम संभवतः पड़ गया चारण। और इनको बोला जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी, क्योंकि उत्तराखंड की समग्र जानकारियों को इन्होंने एकत्रित किया है। तो आज हम जानेंगे भाग 14 में डॉक्टर शिवप्रसाद डबराल के बारे में, और ये महत्वपूर्ण होगा आपके लिए अपकमिंग एग्जाम्स UKPSC या UKSSSC के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इनका जन्म परिचय, जीवन परिचय। तो डॉक्टर शिवप्रसाद डबराल, इनका जन्म हुआ था 12 नवंबर 1912 को, जन्म स्थान है इनका गहली गाँव पौड़ी गढ़वाल। शिक्षा इन्होंने पूरी की, देखिए इन्होंने भूगोल विषय पर अनुसंधान किया, शोध किया, जिस कारण इन्हें PhD की उपाधि दी गई और PhD की डिग्री ली इन्होंने भूगोल विषय में। इनका उपनाम है चारंग, जो कि मैंने बता दिया, घुमक्कड़ जिज्ञासा के कारण इनको ये उपनाम दिया गया। इनको जो महानिर्वाण हुआ था, ठीक है, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष को प्राप्त हो जाना या मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो 24 नवंबर 1999 को, राज्य गठन से एक वर्ष पूर्व, ये हमें अलविदा कहकर चले गए। ठीक है, तो ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब जानेंगे इनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में। तो सबसे प्रमुख जो इनकी रचनाएं हैं, उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तराखंड का इतिहास 12 चरणों में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण इनका सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, उत्तराखंड का इतिहास 12 चरणों में। ठीक है, उत्तराखंड के अभिलेख एवं मुद्रा, गुहादित्य, गोरा बादल, महाराणा संग्राम सिंह, पन्नाधाई, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूँ अन्य जो रचनाएं हैं इनकी प्रमुख, सदेई, सती रामा, राष्ट्र रक्षा काव्य, गढ़वाली मेघदूत, हुतात्मा परिचय, अतीत स्मृति और संघर्ष संगीत, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो कुल मिला के मैंने आपको इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पे बता दी। इसके साथ डिस्कस करेंगे आप कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो इनसे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो पहला फैक्ट है, 1962 में आगरा विश्वविद्यालय से भूगोल में PhD की उपाधि मिली, जिसका विषय था अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रवजन व ऋतुकालीन प्रवास। तो इन पर इन्होंने शोध किया, और इस सफल शोध के बाद इन्हें फाइनली 1962 में आगरा यूनिवर्सिटी ने भूगोल में PhD की डिग्री प्रदान की। ठीक है, अगला देखिए, घुमक्कड़ी शौक के कारण इन्हें चारण का उपनाम दिया गया। मैंने आपको जैसा स्टार्टिंग में बताया कि ये काफ़ी घुमक्कड़ शौक के एक साहित्यकार थे, घूमते रहते थे। जैसे राहुल सांकृत्यायन की आपने एक रचना पढ़ी होगी, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, तो ऐसे ही इनकी भी घुमक्कड़ जिज्ञासा थी, जिस कारण से इनका नाम चारण पड़ गया। इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी बोला जाता है। तो इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है फ्रेंड्स, जिसके पास समस्त जानकारियाँ हों, ऐसे आदमी को बोला जाता है या ऐसी चीज़ को बोला जाता है इंसाइक्लोपीडिया। तो उत्तराखंड की समस्त जानकारियाँ एकत्रित करने के कारण, उत्तराखंड की समस्त दशाओं का ज्ञान हो जाने के कारण इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी बोला जाने लगा, और इसकी उपाधि दी गई इन्हें। ठीक है, अगला देखिए, दुगड्डा इंटर कॉलेज में ये प्रधानाचार्य रहे। जैसे ही इनका शिक्षा कार्य, अपना जो शैक्षिक कार्य था, अपनी शिक्षा जो इन्होंने ली वो कंप्लीट की, उसके बाद इन्होंने दुगड्डा इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य का पद संभाला। 1948 से जीवन पर्यंत ये वहीं पे रहे थे, इसी पद पे। तो काफ़ी सरल और सिंपल जिंदगी इन्होंने जी। अगला देखिए, और कुछ लोग बोलते भी हैं कि जो इनके अंतिम रचना थी, अंतिम रचना के लिए इन्होंने अपने घर का एक एक सामान तक बेच दिया था उसका प्रकाशन करने के लिए। तो साहित्य से इनका कितना लगाव था, इस बात से ये स्पष्ट होता है। अगला देखिए, वीर गाथा प्रकाशन के नाम से पुस्तकें भी प्रकाशित की। देखिए, इनका अपना एक प्रेस था, अपना ही सेल्फ प्रेस था, और वीर गाथा प्रकाशन था उनका, जो एडिशन आता था वीर गाथा के नाम से आता था, उसी के नाम से कई पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की। ठीक है, इसके साथ साथ जो अन्य और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इनकी लाइफ से जुड़े हुए, देखिए इन्होंने उत्तराखंड विद्या भवन नामक पुस्तकालय और संग्रहालय भी बनाया था दुगड्डा में। ठीक है, इसमें 30,000 पुस्तकें, दुर्लभ पांडुलिपियां और पुरातत्विक वस्तुओं का संग्रह है। पुरातत्विक मैं बोलूँ तो जैसे कहीं पुराने सिक्के मिले हों, पुराने बर्तन मिले हों, पुराने हथियार मिले हों, वो सभी इसी संग्रहालय में रखे गए हैं। तो उत्तराखंड विद्या भवन, इसका जो निर्माण का श्रेय है किसे जाता है, क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है ये जाता है शिवप्रसाद डबराल चारंग जी को। और ये इसकी लोकेशन भी कभी पूछी जा सकती है कि उत्तराखंड विद्या भवन नामक जो संग्रहालय है, पुस्तकालय है, राज्य में कहाँ स्थित है, तो ये दुगड्डा में पौड़ी में स्थित है। ठीक है,
देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक अमेजिंग फैक्ट बोल सकते हैं, इसको इंटरेस्टिंग फैक्ट बोल सकते हैं कि शिवप्रसाद डबराल की जो फैमिली थी, इनकी फैमिली में 6 सदस्य साहित्यिक डॉक्टर रहे। मतलब इनके फैमिली में से 6 सदस्य ऐसे रहे जिन्होंने पीएचडी की डिग्री एब्जॉर्ब की, मतलब पीएचडी की कंप्लीट की उन्होंने अपने अपने जो उनका विषय था उसमें। तो ये महत्वपूर्ण है। देखिए इनकी पूरी जन्मस्थली तो मैंने आपको बता दिया, गहली गांव था, लेकिन इनकी जो कर्मस्थली थी वो दुगड्डा ही रही। मतलब संपूर्ण जीवन ये जीवन पर्यंत कार्य करते रहे दुगड्डा में ही, ठीक है। दुगड्डा एक प्लेस है पौड़ी गढ़वाल में। तो ये थे इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर शिवप्रसाद डबराल चारंग जी के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है, इनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं यूके SSSC के एग्जाम में भी और यूके PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट नोट्स, सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस, जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं देवभूमि करियर पॉइंट में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें, हमेशा खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।